ग्राम डाबरभाट में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान आज गोवर्धन की कथा श्रवण कराई गई। भागवत कथा व्यास पंडित श्री महेश कुमार पांडे विलारी वालों ने गोवर्धन लीला के साथ साथ पूतनावत, चीरहरण, कलिया चरित एवं गोवर्धन चरित्र की कथा विस्तार से सुनाई। श्री पांडे ने कहा कि जब राम अवतार में समुद्र पर पुल बनाने लगा तो वानर उत्तराखंड से बड़े बड़े पहाड़ लाकर नल नील को देते थे और नल नील राम लिखकर पत्थरों को जल में छोड़ देते थे जो तैरने लगते थे। श्री हनुमान जी महाराज उत्तराखंड में द्रोण पर्वत के पुत्र जिसका नाम गोवर्धन था उखाड़ने लगे तो द्रोण ने कहा कि प्रभु मेरे पुत्र को कहाँ ले जा रहे हो। हनुमान जी ने कहा श्री राम जी समुद्र पर पुल बना रहे हैं, उस पुल में तुम्हारा पुत्र लगाया जाएगा। और हनुमान जी गोवर्धन को लाने लगे। जैसे ही वृंदावन में पहुंचे कि पुल का कार्य पूरा हो चुका था। श्री राम ने कहा कि जो वानर जिस पर्वत को जहां लिए हो वहीं रख दे। हनुमान जी ने पर्वत वृंदावन के जंगल में रख दिया और जाने लगे तो गोवर्धन ने कहा कि प्रभु मेरा क्या अपराध था, आपने मुझे पिता से अलग कर दिया और निर्जर वन में छोड़कर जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने आंखों में आंसू भर कहा कि इस समय मैं प्रभु के आदेश से मजबूर हूँ, परंतु तुझे वचन देता हूँ आने वाले समय में प्रभु स्वयं तुझे अपने हाथ पर धारण करेंगे, तब तक तुम इंतजार करो। अपने प्रिय भक्त हनुमान का वचन पूरा करने के लिए श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी हस्त पर धारण किए और हनुमान जी के वचन को पूरा किया। गोवर्धन पूजन में समस्त श्रोता बंधु भाव विभोर होकर नाचने लगे और अंत में श्रीमद् भागवत कथा की आरती प्रसाद वितरण किया गया। करेरा से संजय गुप्ता, बिलैया की रिपोर्ट। जी जी।